अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आपको भाई अल्हम्दुलिल्लाह एकदम ज़बरदस्त। तो भाई खुश आमदीद एक न्यू व्लॉग में। तो भाई आज का सीन ये है कि अभी तो रात हो गई है, दिन का सीन नहीं है। रात का सीन ये है कि पहले तो मुझे एक दराज पे अपना पार्सल पिकअप करने जाना है। अभी बाहर मेरा जो है ना वो पिकअप पॉइंट पर जो है वो मेरा पार्सल आया हुआ है। कल संडे है, आज सैटरडे है, तो आज ना रिसीव किया तो कल की भी छुट्टी हो जाएगी, परसों की भी छुट्टी हो जाएगी। तो सबसे पहले जो है वो पार्सल रिसीव करना है, उसके बाद मुझे एक काम जाना है कैंची, वहाँ वो काम करके आएंगे और फिर वापसी पे आपको भाई आगे मैं ना जो है वो पार्सल दिखाऊंगा। पार्सल जो है वो मैंने अपने बर्ड्स के लिए कुछ मंगवाया, बड़ी एक मज़े की प्रोडक्ट है, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा। तो भाई अभी चलते हैं पार्सल लेने, उसके बाद देखते हैं आगे जाना है कैंची बाज़ार और वहाँ से सामान कुछ लेना है, वो सामान ले के आके फिर देखें हमने क्या करना है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह द्रास का ये पिकअप पॉइंट है, यहाँ से अपना पार्सल हमने जो है वो पिक कर लिया। तो अभी मैं जाने लगा हूँ जरा काम एक, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या पार्सल मंगवाया। ठीक है, अभी निकलते हैं काम के लिए। तो क्या, तो ये अभी मैं कैंची जा रहा हूँ किसी काम से, ठीक है, वहाँ से फिर वापसी पे जो है ना वो आपको मैं दिखाता हूँ कि मैंने पार्सल दराज से क्या मंगाया। बेसिकली वो मैंने एक लाइट मंगवाई है, तो वो लाइट जाके देखते हैं कैसी है। उससे जो है ना वो जो तोते मेरे एग्स ले करेंगे ना, उससे फर्टेलिटी का पता लगेगा, मतलब कि बच्चा उसमें है या नहीं है, लाइट से वो पता लग जाता है। नहीं तो मोबाइल की टॉर्च से भी पता लग जाता है, पर वो अंडा हाथ में पकड़ना पड़ता है उसके बाद। तो वो जाके मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ा अच्छा है, मतलब कि प्रोडक्ट है वो। तो घर जाते हैं, पहले काम हो आए कैंची से, फिर उसके बाद घर जाके जो है ना वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो जी आ चुका हूँ मैं घर, समाज सुमन करके काम शाम करके नमाज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ लिया, दराज से पार्सल भी अपना पिकअप कर लिया है। भाई थोड़ी बहुत ठंड होना शुरू हो गई है, ठीक है, मतलब कि थोड़ी बहुत अब भी लगना शुरू हुई है, वरना तो ठंड नहीं थी। ये रहा हमारा पार्सल, पार्सल छोटा सा सामान जेब में डाल लिया अपना। तो अभी हम ये पार्सल चेक करते हैं कैसा है, रिव्यू तो बड़े अच्छे थे इसके, अब हम भी चेक करते हैं, ट्राई करते हैं कि भाई कैसा है। आप लोगों को भी दिखाता हूँ पार्सल है क्या। बेसिकली अभी इसको हम ओपन कर लेते हैं, अभी मैं पहले इसको ओपन कर लेता हूँ फिर आप लोगों को दिखाता हूँ पार्सल कैसा। भाई ये छोटा सा हमारा पार्सल है, अभी इसको पैकिंग इसकी बड़ी अच्छी हुई थी, इसके साथ दो सेल आए हैं, ठीक है, लाइट है ये बेसिकली। अभी मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, अभी भी ये एक हाथ से ओपन नहीं होना, दो हाथ से ओपन होगा। तो भाई वीडियो बनाने वाला कोई नहीं है, तो एक हाथ से मुझे जाहिर बात है वीडियो रखनी पड़ेगी, उसको ओपन करके फिर आप लोगों को दिखाना पड़ेगा। भाई प्रोडक्ट कुछ ऐसा है, ये देखिए लाइट, अगर हम दूर से इसको चेक करेंगे तो बेसिकली ये प्रोडक्ट मैंने आपको पहले भी बताया, ये प्रोडक्ट ये है कि अब मैं जैसे इस बॉक्स को खोलता हूँ ना, ये देखें इस तरह करके इस बॉक्स को खोलता हूँ, एग जो है वो मुझे हाथ में पकड़ के चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल की टॉर्च से पहले मैं चेक करता था। तो ये प्रोडक्ट इसलिए बहुत ज़बरदस्त है, एग जहाँ पे पड़ा होगा मैं वहीं पे इसको टॉर्च ऐसे करके लगाऊंगा, तो जो है ना वो मुझे एग का जो है पता चल जाएगा, एग फर्टाइल है कि नहीं है। बार बार हाथ से हाथ में पकड़ना एग भी ठीक नहीं है, तो इस तरह हमें ईजीली जो है ना वो एग का आइडिया हो जाएगा। तो ये देखिए काफ़ी तेज़ इसकी टॉर्च है, और जितना आप इसको दूर करते जाएंगे उतनी ये देखें फैलती जा रही है। तो मैं लाइट बंद करता हूँ फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, और भी क्लियर हो जाएगा। ये देखें काफ़ी अच्छी खासी इसकी रोशनी है, ये देखें, ये चेक करें, ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है यार, कमाल है। ये चेक करें, ये अभी मैं इसकी भी टॉर्च जो है वो ये चीज़, ओह चेक करें, ये इसका फ़ायदा हुआ है, चेक करें। अभी मैंने फ्लैश भी बंद कर दिया, प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त है भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये देखें जहाँ पे आप रोशनी करें वहाँ पे जो है ना नज़र सारा कुछ क्लियर आ रहा है, बिल्कुल क्लियर। यार अभी एक अलमारी छोटी सी मंगवाई है, वो रिसीव कर लें। ले आ, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मैं इसलिए साइड पे हो जाता हूँ।
रही अलमारी आ रही है। ये अलमारी जो है रिसीव कर ली है, ये आप ही को चाहिए थी, उन्होंने मंगवाई है। मैं मुझे लेके जाना था उन्होंने, मैं खाना सुबह खाया दोपहर का, मुझे एकदम इतने हैवी वाले चक्कर आए हैं ना, और मैं तकरीबन 12 बजे उठा हूँ, नहीं 10:30 उठा था पहले सुबह, फिर मैं सो गया और सो के लेट गया, वैसे ही लेट गया, फिर मैं 12 बजे दोबारा उठा, 12 बजे उठने के बाद तकरीबन 1:30 बजे के करीब मैंने खाना खाया, तो एकदम चक्कर आ रहे थे, नमाज़ पढ़ने लगा, 3 बजे नमाज़ पढ़ी मैंने, 3 बजे नमाज़ पढ़ने के बाद ऐसे हैवी वाले चक्कर आए, दोबारा मैं लेट गया, दोबारा मैं लेटा हूँ 3, 4, 5 के बीच, 4:30, 5 बजे दोबारा उठ के फटाफट मैंने नमाज़ पढ़ी, आप वगैरह गए हुए थे हमारे लिए मामू के साथ। तो वही अभी भला क्या सीन है, सर्दी हो गई ज़्यादा, तो मैंने ना उधर से ये वाला जो है ना वॉशरूम है, ठीक है, वॉशरूम का दरवाज़ा वैसे भी मैंने टाइट करके बंद कर देना है, सिर्फ एक ये है इसको मैं रहने दूंगा ताकि थोड़ी सी क्रॉसिंग भी हो, ये दरवाज़ा भी हमने जो है वो टाइट करके बंद कर देना है। अब जब टाइट करके बंद करना है रात के टाइम में लाइट ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, छोटी लाइट जो है वो बल्ब, ये वाला बल्ब ठीक है, ठीक है, और इधर भी एक बल्ब मैंने लगाया हुआ था पर ये जलता नहीं है। अब दोनों का इशू ये आ रहा है कि जब मैं लाइट बंद करता हूँ तो बहुत कम रोशनी होती है, तो इनके लिए भाई एक अदद बल्ब लेके आना पड़ेगा छोटा, यही लेके आऊँगा, बट ये है कि इधर वाला थोड़ा फिर भी रोशनी कर देता है, इधर वाला नहीं करता, तो इधर लगा दूंगा, तो दोनों जब चलेंगे ना तो मध्यम सी रोशनी होगी, ये सो भी जाएंगे और अगर इन्होंने दाना शाना खाना हुआ तो दाना भी खा लेंगे, क्योंकि उसकी रीज़न ये है एग गाय में तो बच्चे जो हैं वो चिक्स जो हैं वो निकलने वाले होंगे, तो उसकी वजह से भी जो है ना मुझे लाइट का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इनके लिए, तो फिर लाइट लेने जा रहा हूँ, तो लाइट ला के लगाते हैं। तो जी बल्ब मैं लेके आ गया, ठीक है, वाइट बल्ब मिला, ये देखो ये देखो, जैसे ही मैं जाता हूँ ना इनकी हफरा तफरियाँ देखने वाली होती हैं, वो येलो है, वैसे येलो लाना चाहिए था, मैं वाइट लेके आ गया यार। चलो अब इसको लगा, लो जी बल्ब लेके आया हूँ, चला ही नहीं है, मेरे से लगा सही नहीं है, ये चला ही नहीं है, चला ही नहीं है, ख़राब है ये तो, ख़राब है, चेंज करवा के आना पड़ेगा, वो देखो वो भी जल रहा है पर आंखें मार रहा है, ये भी आंखें मार रहा है भाई, अब उतरो नीचे, दोबारा लेके आना पड़ेगा चेंज करवा के। अब चेंज करवा के लाया हूँ दोबारा, अभी देखना मैं एंटर होऊंगा ना, देखना ये देखो देखो देखो, पहले भी यार ये वाला था, ये देखो ये वाला दोबारा यही आया, चलो देखते हैं ट्राई करते हैं, वो जल रहा है पर बहुत ही ज़्यादा डिम है। दुकान वाले खानदे हैं ना, मैंने उन्हें कहा यार वाइट नहीं है, कहते नहीं वाइट नहीं है, तो मैंने सोचा यार वाइट की ज़रूरत ही नहीं है, ये ढक्कन उतार देता हूँ, नीचे से ऑब्वियसली वाइट निकलनी है रोशनी, ये इसकी वजह से जो है वो मसला है, ये देखो क्या बात है बाबा जी, ये मैंने उतार दिया तो अब जो है ना वो बेहतरीन है। इस वाले गत्ते के थ्रू ये वाला दरवाज़ा बंद करते हैं, ठीक है, और ये देखो जी ओहो, एक हाथ से नहीं होना इसमें, ऊपर बेसिकली यहाँ पे कोई चीज़ लगा दूंगा ना तो ये बंद हो जाएगा सही तरह, हमने ऊपर ऐसे ही किया हुआ है, ये दरवाज़ा लॉक इसका ख़राब है, तो जिस वजह से ना ये चीज़ ये बंद हो गया, ठीक है, वॉशरूम का दरवाज़ा ये मैं वैसे ही बंद कर दूंगा, ऊपर रोशनदान खुला होगा तो अंदर जो है वो ठंड नहीं जाएगी, क्योंकि रीज़न ये ठंड की वजह से ना ये थोड़े से जो है ना वो ढीले हुए हैं मेरे बर्ड्स दोनों बर्ड, तो इस वजह से, हालांकि इधर इनको होना चाहिए और हुए पड़े वो है, उसकी रीज़न भला क्या मेन, इधर से जो है हवा आ रही डायरेक्ट, मैंने कहा इग्नोर किया इतना, अब ठंड मुझे थोड़ी सी, मैं निकला हूँ बाहर, स्मोक हुई हुई है बाहर, ठंड हुई है हल्की हल्की, तो जिस वजह से थोड़ी सी जो है ना वो एहतियात करनी ज़रूरी है। अभी मैं जो है ना वो नीचे से जो सुराख है ना वो भी बंद कर दूंगा ताकि बिल्कुल ही जो है ना वो ठंड का सीन ख़त्म हो जाए, ये वाला दरवाज़ा हम वैसे ही बंद कर देंगे, थोड़ी सी वेंटिलेशन जो है ना वो चलेगी इस सुराख के थ्रू, बस बाकी अल्लाह खैर करे,
सुबह मिलते हैं, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। रोज हमारा टिकटॉकर जो है वो कज़न आया हुआ है, आप लोगों को तारफ कराते हैं। आज टिकटॉकर हमारा जो कज़न है, जिसको हम पूरी फैमिली में सबसे ज़्यादा वीडियो बनाने का शौक है टिकटॉक पे। यार तेरी किस्मत अच्छी है कि तू वीडियो नहीं बना रहा था, नहीं तो मैं बता के आया था भाई हमारा वो वाला कज़न आया हुआ है जिसको सबसे ज़्यादा शौक है। मैं अभी वो ऑडियो कवर कर रहा हूँ बगैर म्यूज़िक के। यार जिस दिन की मुर्गियाँ नहीं हैं उसके बाद मैं अभी छत पे आया, मेरी मुर्गियाँ जा चुकी हैं सारी। अभी वो इनके मुर्गे जो ऊपर है ना, उनको मैंने यहाँ पे दाना डाला हुआ था, तो वो इधर आके ना अभी दाना खा रहे थे। ये देखो थोड़ा थोड़ा पड़ा भी हुआ, खा पी के वो दाना निकलने निकल गए हैं। सूरज चेक करो क्या बात है। टिकटॉकर साहब अभी क्या कर रहे हो आप? म्यूजिक निकाल रहा हूँ, म्यूजिक रिमूव कर रहा। यार इनको देख के मुझे अपने मुर्गों की याद आ रही है, क्या मेरे मुर्गे थे। वही घर के थड़े का जो बहुत बुरा हाल हुआ था, साथ में ये सारा जो है ना वो काम करवा रहे हैं सारा। ये स्लैब, ये टाइलें जो लगी हुई थी ना, वो बड़ा काम खराब हो रहा था। ये देखो सारा कुछ जो है ना वो सिस्टम चला रहे लगे हुए मिस्त्री। ओए 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 ओए, इसको किधर उतर आइए थोड़ा, उसको इधर रख लेते हैं। मिस्त्री वगैरह लगे हुए काम कर रहे हैं भाई। आज कल लोग यहीं पे करते हैं, लोग अच्छा लगा अपना सिलाई। मैं चैनल पे नहीं हूँ, लाजमी सब्सक्राइब कर रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बोल रहा है, मुझे लाजमी दुआ में आ जाए। खुदा हाफिज़।